स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आपको लाइट रिएक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन और साथ में फोटोलिसिस ऑफ वाटर। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? हिंदी में हम उसको कहते हैं प्रकाशीय फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण को अगर हम कहें तो एटीपी का निर्माण है, और फोटोफॉस्फोरिलीकरण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय एटीपी सिंथेटिस विद द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी एटीपी का निर्माण किसके द्वारा? एटीपी सिंथेटिस। एटीपी सिंथेटिस एक एंजाइम है, उसके द्वारा एटीपी का निर्माण होना। कहाँ पर होना? क्लोरोप्लास्ट में। किसके इन्फ्लुएंस से होना? लाइट के द्वारा। लाइट की आवश्यकता होती है कब होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब होता है। तो पूरी प्रक्रिया आपस में जुड़ी हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान क्लोरोप्लास्ट में लाइट की उपस्थिति में एटीपी सिंथेटिस द्वारा एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिगमेंट सिस्टम जो होते हैं वो दो कॉम्प्लेक्स के मिलकर बनते हैं, कोर कॉम्प्लेक्स और LHC, या जिसे हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स AC। कोर कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर जो होता है वो क्लोरोफिल के 40 से 60 तक अणु होते हैं, लेकिन मुख्य भाग जो होता है उसमें होता है एक रिएक्शन सेंटर। ये मैंने बताया था PS1 में और PS2 में अपने अपने रिएक्शन सेंटर होते हैं, और ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का एक अणु होता है। पीएस सिस्टम 1 में P700 और दूसरे में P680 होता है, ठीक है। और LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होता है वो क्लोरोफिल अणु और एक्सेसरी पिगमेंट्स यानी कैरेटोनाइड्स, यानी केवल और केवल ये पिगमेंट से मिलकर ही बनता है। तो इसको मैं इसलिए यहाँ बता रही हूँ क्योंकि ये आगे अब काम आएगा। कैसे हम फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के बारे में, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस चित्र में, यहाँ पर अगर हम पहले फोटोसिस्टम 1 लें तो फोटोसिस्टम 1 में ये पूरा एरिया जो है यहाँ से वो AC है, एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये P700 यानी एक क्लोरोफिल ए का एक अणु जो कि रिएक्शन सेंटर कहलाता है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो ये कोर कॉम्प्लेक्स है, ऊपर वाला भाग कोर कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें क्या होता है, जब लाइट ये ले रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाइट के द्वारा जितनी भी एनर्जी, लाइट एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होके कहाँ पर जाके इकट्ठी हो जाती है? P700 में। P700 से ही इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर आता है और एक्सेप्टर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये P700 क्या कहलाएगा? डोनर। डोनर के द्वारा इलेक्ट्रॉन बनाया जा रहा है और जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसके द्वारा इसको ग्रहण किया जा रहा है। इसके विपरीत जो है फोटोसिस्टम सेकंड में क्या होता है, रिएक्शन सेंटर जो है वो P680, क्लोरोफिल ए का एक अणु है, P680 उसको कह रहे हैं क्योंकि लाइट ऑब्जॉर्प्शन के कारण इसका नाम है। इसमें भी सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों प्रोसेस में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इज दैट फोटोसिस्टम सेकंड में वाटर का फोटोलिसिस हो रहा है, यानी वो ये प्रक्रिया के अंदर प्रकाश की उपस्थिति में जल जो है वो हाइड्रोजन आयन बना रहा है और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। और पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर ये जो इन प्रक्रिया को एक्सेलरेट करने के लिए क्लोराइड और मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो P700 से निकलता है और यहाँ P680 से। इस पूरी प्रक्रिया को अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर हम क्लोरोफिल अणु, अभी हमने बात की थी ना क्लोरोफिल ए का एक अणु एक रिएक्शन सेंटर होता है, तो क्लोरोफिल अणु जो होता है वो अनेक परमाणुओं से मिलकर बनता होता है, और परमाणुओं के बीच में एक केंद्रक होता है, एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट जहाँ पर कि होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक अणु अनेक परमाणुओं से मिलकर बनता है, और प्रत्येक परमाणु जो है
वो अपना एक नाभिक रखता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, हम इतना आगे तक इसको नहीं ले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन एक परमाणु में होते हैं उन इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। अब ये पूरी अवस्था जो होती है ये इसकी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कहलाती है ना, ये इसकी एक ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड अवस्था है, जिसे हम मूल अवस्था कहते हैं। मूल अवस्था के अंदर ये क्लोरोफिल का परमाणु है। अब क्या होता है जब लाइट इस पे पड़ती है ना, जब ये फोटो एनर्जी लेता है, जब लाइट लेता है, तब क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जितने भी क्वांटा प्रकाश का अवशोषित करता है, तो वह ऊर्जा इन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दी जाती है। तो सारी ऊर्जा कहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दी जाती है। अब होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को लेकर, किसको लेकर, लाइट एनर्जी को लेकर, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है और एक्साइटेड अवस्था के अंदर चला जाता है, यानी उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। अब जैसे ये ऑर्बिट को छोड़ता है और वापस ऑर्बिट में आता है, यहाँ पर आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ सेकंड के लिए, है ना, बहुत सेकंड्स का, बहुत ही कम सेकंड्स के लिए ये इलेक्ट्रॉन 10^-6 टू लेकर 10^-9 सेकंड तक ये यहाँ रहता है और वापस इस अवस्था में आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस अपनी इस एक्साइटेड स्टेट में आया, अभी यहाँ जब ऑर्बिट में रहता है तो ये ग्राउंड स्टेट में रहता है, और यहाँ पर होता है तो हम इसको कहते हैं इसकी एक्साइटेड अवस्था या उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था। तो क्लोरोफिल के एक अणु को हम इसको स्टार लगा देते हैं, तो ये इसकी एक उत्तेजित अवस्था होगी। अब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जब अपनी अवस्था में, मूल अवस्था में वापस आता है, यानी अपने ऑर्बिट में वापस आता है, और अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को ऊष्मा में के रूप में नष्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो ये ऊष्मा के रूप में नष्ट ना करके पौधों में इसको एक्सेप्टर्स के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो जो एक्सेप्टर होते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं, और इस ये एक एक्सेप्टर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो अनेक एक्सेप्टर्स या ग्राहियों के माध्यम से स्थानांतरित होता हुआ अपनी मूल अवस्था में अगर आ जाता है, तो इस प्रकार वो मुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर ली जाती है। तो जब ये यहाँ से एक्साइटेड स्टेज से वापस इस अवस्था में आता है, तो ये यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक परमाणु, क्लोरोफिल का एक परमाणु, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन यही है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक यानी चक्रीय, और नॉन साइक्लिक यानी अचक्रीय। अभी मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का एक ग्राही से दूसरे ग्राही में जाना, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो अगर वो जहाँ से निकलता है और वापस वहीं पहुँच जाता है तो वो साइक्लिक है, अगर वो जहाँ से निकल रहा है और वापस वहाँ ना पहुँच के कहीं दूसरे सिस्टम में जा रहा है तो वो नॉन साइक्लिक हो जाता है, उसका चक्र पूरा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी विद द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है, चक्रीय अवस्था में है, लाइट की उपस्थिति में जब एटीपी का निर्माण हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, चक्रीय हो रहा है, यानी जहाँ से वो निकलता है वापस वहीं पहुँच जाता है, तो इसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसमें एटीपी सिंथेसिस बाय व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटो सिस्टम वन एंड रिटर्न्स बैक टू इट। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकलते हैं फोटो सिस्टम वन से और वापस उस फोटो सिस्टम वन में पहुंच जाते हैं।
तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अगर हम स्टेप्स देखें, तो स्टेप वाइज अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, तो फर्स्ट स्टेप में जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या, पिगमेंट का जो कॉम्प्लेक्स था फोटोसिस्टम वन का, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उत्तेजित हो जाता है। उसका जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर इसमें कौन होता है, P700, उसका P700 का जो रिएक्शन सेंटर है वो भी एक्साइटेड हो जाता है और उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन निकला तो अभी मैंने बताया कि उसको एक्सेप्टर्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो उसका अपना एक सिस्टम होता है, वो प्लास्टोक्विनोन, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ वापस पीए सिस्टम वन में पहुंच जाता है। फिर इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के हाइड्रोजन आयन भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कहाँ पर, थाइलाकोट की मैम ल्यूमेन में, जो उसकी गुहिका है ना। यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पिगमेंट सिस्टम वन और पिगमेंट सिस्टम टू, PS1 और 2 कहाँ पर मिलते हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर, राइट। तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर ही ये कोर कॉम्प्लेक्स और एंटीना कॉम्प्लेक्स वगैरह पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सब वहाँ पर ही हो रहा है, कहाँ पर, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर। लेकिन इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान जो हाइड्रोजन का एक्यूमुलेशन होता है वो कहाँ पर होगा, ल्यूमेन में, थाइलेकोइड की ल्यूमेन में। तो ये ल्यूमेन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, इसे कहते हैं मोटिव फोर्स। और ये हाइड्रोजन आयन जो होता है एटीपी सिंथेटेस के थ्रू जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, कहाँ पर, वापस मेम्ब्रेन में आता है, और वहाँ पर ये एटीपी सिंथेटेस एंजाइम जो इनको पिक करती है, और वो जो फोर्स जो उत्पन्न हुआ था वो इसमें मेजर रोल अदा करता है, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है जिसे हम पीआई लिखते हैं, से मिलकर एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो वापस बोलती हूँ, मोटिव फोर्स होता है एटीपी सिंथेटिस, इनको डिफ्यूज़ कर देता है मेम्ब्रेन में, एक एनर्जी रिलीज होती है जब हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज़ होते हैं, और ये एनर्जी एटीपी सिंथेटेस के द्वारा पिक कर ली जाती है, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी का निर्माण कर देते हैं। इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये लाइट यहाँ दिख रही है आपको, और इसके अंदर साइक्लिक फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये लाइट है यहाँ पर, इसका रिएक्शन सेंटर या कौन क्या है, P700 है किसका, क्लोरोफिल ए का एक अणु यहाँ पर है, तो जितनी भी ऊर्जा यहाँ से निकली वो सब P700 को दे दी जाएगी, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का पूरा एक्साइटेड फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम को इसने ले लिया, और यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन भी कई जगह लिखते हैं, ये प्लास्टोक्विनोन भी हो सकता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पास हुआ फेरेडोक्सिन को, फिर साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने रिएक्शन सेंटर पर आ जाता है। तो ये पूरे जो हैं ये इसके एक्सेप्टर हैं, ये पूरा इसका एक्सेप्टर है। अब क्या होता है कि दो जगह ऐसी होती हैं, यहाँ से ये दो जगह, ये जगह और ये जगह, ठीक है, जहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे भी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी का निर्माण कर रहे हैं। तो कितने एटीपी का निर्माण हो रहा है, इसमें 2 ATP यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि ये दो जगह ऐसी होती हैं, फेरेडोक्सिन से साइटोक्रोम तक जाना और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक आना, ये दो जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जो एनर्जी है उसको ट्रैप कर लिया जाता है एटीपी सिंथेटेस के द्वारा। तो एटीपी सिंथेटेस ये दो जगह पर इस एनर्जी को टैप करता है, ट्रैप करता है, और ये एनर्जी निर्माण करने का काम करती है एटीपी का। तो 2 ATP का निर्माण होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अब हम आते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इसका अचक्रीय, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पीए सिस्टम वन से निकला था वापस पीए सिस्टम वन में पहुँच जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
वापस उस सिस्टम में नहीं पहुंचता है। एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पीएस सिस्टम सेकंड से निकलता है और वो पीएस सिस्टम वन में जाता है, वापस पीएस सिस्टम सेकंड में नहीं पहुंचता है। तो इसको अगर हम स्टेप वाइज पढ़ें तो क्या है नॉन साइक्लिक? द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। पिछले में साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट था, यहाँ पर नॉन साइक्लिक है। और इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला और वापस दूसरी जगह चला गया तो एक जेड का निर्माण होता है, जिसको हेल्स और बेंडल ने ये जेड स्कीम नाम दिया। तो जो क्वेश्चन है वो जेड स्कीम से भी पूछा जाता है, नॉन साइक्लिक ना पूछ के जेड स्कीम को एक्सप्लेन करो, तो आपको यही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक्सप्लेन करना है। तो एटीपी सिंथेसिस इज सिंथेसाइज व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पीएस सिस्टम सेकेंड टू पीएस सिस्टम वन। जैसा कि अभी मैंने बोला था, पीएस सिस्टम सेकेंड से पीएस सिस्टम वन में जाता है। इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिटर्न टू पीएस सेकेंड, वापस इसमें नहीं मिलता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? नॉन साइक्लिक हो जाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सप्लाइड किसके द्वारा होती है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का, फोटो मतलब प्रकाश, लिसिस मतलब टूटना, प्रकाश की उपस्थिति में जल का टूटना जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है इस सिस्टम में। तो स्टेप इसके देखते हैं। सबसे पहले फोटो सिस्टम वन सेकेंड जो है वो एक्साइटेड हो जाता है लाइट में, एनर्जी रिलीज होती है और ये सब वाटर का फोटोलाइसिस लाइट की उपस्थिति में होता है। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर वही क्लोरोफिल का एक अणु जो कि यहाँ पर P680 होता है, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इस रिएक्शन सेंटर से होते हुए फिर वो अपने फियोफाइटीन है, प्लास्टोक्विनोन, ये सब इसके कैरियर होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, और वहाँ से होता वो पी एस सिस्टम वन में पहुँच जाता है। इसके बाद पी एस सिस्टम वन में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फेरेडॉक्सिन और फाइनली एनएडीपी को दे दिए जाते हैं। एनएडीपी जो हाइड्रोजन आयन भी बने थे, वो जो हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में पहुंच जाते हैं, अभी मैंने बताया था वो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे भी बनते हैं, वाटर से निकलते हैं, ल्यूमेन में, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन से मिलकर NADPS2 का निर्माण करता है, जिसे रिड्यूसिंग पावर या अपचयकारी शक्ति कहते हैं, जो कि आगे चलकर डार्क रिएक्शन में काम आती हैं। तो ये डार्क रिएक्शन में रिड्यूसिंग पावर के रूप में काम आती हैं। तो हाइड्रोजन आयन जो रिलीज होते हैं फोटोलिसिस के द्वारा वो स्ट्रोमा जो होता है थाइलेकोइड का, स्ट्रोमा साइट के ल्यूमेन थाइलेकोइड में मूव हो जाते हैं, और जिससे कि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सनट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ जाता है, वही की वही क्रिया होती है। हाइड्रोजन आयन मोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है। हाइड्रोजन आयन मोटिव फोर्स डेवलप होने से ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू एटीपी सिंथेटेस प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड, और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हो जाने से ये एनर्जी किसके द्वारा पिक कर ली जाती है? एटीपी सिंथेसिस के द्वारा। फिर एडीपी और इनऑर्गेनिक एसिड को मिलकर एटीपी का निर्माण कर देते हैं। तो फाइनली क्या होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो एंड रिजल्ट होता है, एटीपी का निर्माण और NADPS2 का निर्माण होता है। ठीक है, एटीपी तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनी थी, लेकिन यहाँ पर NADPS2 भी बनती है, और ये वो प्रक्रिया होती है नॉन साइक्लिक जो कि सभी प्रकार के प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, हर किसी में नहीं पाया जाता है।
नॉन साइक्लिक का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम वन दोनों इन्वॉल्व हैं, और आप देख पा रहे हैं पूरा जेट फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, लाइट है, वाटर का मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है यहाँ पर, एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन सेंटर इसका दिख रहा है आपको P680, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्राइमरी एक्सपर्टर फियोफाइटिन इसको ले रहा है, फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, यानी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होता है प्लास्टोसाइनिन में जाता है, प्लास्टोसाइनिन से ये जो है वो P700 में पहुंच जाता है, P700 से, यानी ये इसे हम कहेंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट में ये जा रहा है, यानी जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला वापस वहाँ नहीं पहुँच रहा है, इसलिए ये नॉन साइक्लिक हो जाता है। अब ये पीए सिस्टम वन में जा रहा है, पीए सिस्टम वन के रिएक्शन सेंटर से ये वापस निकलता है, और ये लाइट यहाँ पर भी इसका लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पर ये फिर प्राइमरी एक्सेप्टर से होता हुआ फेराडॉक्सिन को दे दिया जाता है, और NADPS2 इसको NADP रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा NADP रिड्यूस होता है और NADPS2 का निर्माण यहाँ हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए हैं? ये हाइड्रोजन आयन वो आयन है जो कि यहाँ वाटर से मिले हैं। तो ये पूरा ल्यूमेन, ये पूरी जो क्रिया होती है, ये पूरी क्रिया जो होती है वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो ल्यूमेन से होते हुए वापस यहाँ पर मेम्ब्रेन में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से NADPS बनता है। अब यहाँ पर जहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन और जो एटीपी का निर्माण यहाँ पर होता है, जैसे यहाँ लिखा नहीं गया है, जैसे पिछले पीएस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की डायग्राम में मैंने आपको बताया था, दो एटीपी का निर्माण होता है और नॉन साइक्लिक के अंदर एक एटीपी का निर्माण होता है, और वो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? वही फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के बीच में होता है। तो एक एटीपी यहाँ पर बनती है और दो एटीपी का निर्माण हो रहा है फोटोसिस्टम वन में, जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो दो और एक यहाँ पर, तो टोटल 3 ATP जो होते हैं वो फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान बनते हैं, ओनली फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान। और चूंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं, दो हाइड्रोजन के आयन्स यहाँ पर हैं, तो दो NADPS2 का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी अगर मैं ये कहूँ कि फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया में 3 ATP और 2 NADPS2 का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रेजेंटेशन देखिए आप, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा रीजन है, ये थाइलेकोइड की ल्यूमेन है और ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में यह फोटोसिस्टम सेकंड दिख रहा है या फोटोसिस्टम वन दिख रहा है, और यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से पूरा होते हुए देखिए B6 साइटोक्रोम B6 तक पहुँच रहा है, प्लास्टोसाइनिन फिर फोटोसिस्टम वन में जा रहा है, और यहाँ से ये आगे फेराडॉक्सिन वगैरह को देता हुआ, और ये इसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब जितने भी ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन का आयन है थाइलेकोइड के ल्यूमेन में, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो एक फोर्स डेवलप करते हैं, ये फोर्स जो होता है ये इसको मूवमेंट में मदद करता है, और ये कहाँ पहुँच जाते हैं? वापस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर, तो ल्यूमेन से इसकी गुहिका से ये वापस आ जाता है मेम्ब्रेन में, और यहाँ पे कुछ मदद कौन करता है इनकी? ATP सिंथेटेस। तो यहाँ पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP का निर्माण करते हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है मोटिव फोर्स के द्वारा यहाँ पर पहुँचते हैं, और ये फोर्स ये एक एनर्जी उत्पन्न करता है जो कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर ATP का निर्माण करने में मदद करता है। अभी मैंने कहा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? पीए सिस्टम सेकंड में, प्रकाश की उपस्थिति में स्प्लिटिंग हो रही है, टूट रहा है वाटर,
हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोटो डिसोसिएशन, प्रकाश की उपस्थिति में विघटन या डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक प्रकार की ये होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया पीएस सिस्टम में पीएस सेकंड में होता है। पीएस सेकंड के अंदर वही एक्साइटेड सनलाइट की उपस्थिति में होता है, एनर्जी रिलीज होती है फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफिट हो जाते हैं रिएक्शन सेंटर में, और रिएक्शन सेंटर में जो एनर्जी रिसीव की जाती है वो फोटो सिस्टम के ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा होती है। जो एनर्जी निकली इलेक्ट्रॉन की वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं OEC, कहाँ पर मिलता है? फोटो सिस्टम सेकेंड में। तो इस अभी मैं जब मैं बता रही थी तो मैं आपको बताया था क्लोराइड और मैग्नीशियम, तो वो OEC क्या है? इसमें 4 मैग्नीस आयन, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन मिलकर इसका निर्माण करते हैं। तो OEC है वो क्या होता है? कंबाइन द टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड स्प्लिट देम इनटू 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन आयन्स। यहाँ रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? 4, और 4 हाइड्रोजन आयन्स बन रहे हैं यहाँ पर, और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है। तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जल जल के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से फोटोलिसिस ऑफ वाटर कंप्लीट होता है। तो पूरा जो निचोड़ अगर हम कहें उसका जो कंक्लूजन कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन का, वो ये है कि ये 2 प्रकार का होता है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में 2 ATP का निर्माण होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में 1 ATP और 2 NADPH2 का निर्माण होता है। नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम सेकंड के कॉम्प्लेक्स में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो हिल्स के द्वारा दिया गया था, इसे इसलिए हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है। और ये हिल्स रिएक्शन एक छोटे क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आज ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।